मोक्ष मार्ग के नाम पर तुम जो बहिरंग उपाय करते हो, मंदिर आ गए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, भगवान का रथ खींच लिया भगवान है, और फिर रथ पर हुए सवार नगाड़ा और भगवान को ऐसे देख रहे हो, वाह भगवान, अरे भाई तुम्हें खबर ही नहीं है कि असली भगवान तो यहाँ है। कहाँ है वो? तुम्हारी घंटों हो जाते हैं उस पर दृष्टि भी नहीं जाती कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा भाव वासन नहीं बनता। तो वो जो भाव वासन नहीं बनता वो किस बात की निशानी है? बेहोशी की, भयंकर बेहोशी, कुछ होश नहीं है, कुछ शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। और भगवान की बातें भी सुन लेता है, प्रवचन में आत्मा की बातें सुन लेता है, आत्मा की बातें कर लेता है, आत्मा की बातें सुना देता है, और ये क्या है, ये किस आत्मा की बात है, ये आत्मा कौन है? कल बताया था ना, भेद ज्ञान करना पहले नंबर का कार्य है जीव का। देखो भाई, स्वर्ग नरक की बात नहीं है, चार गतियों की बात नहीं है, पुण्य पाप की बात नहीं है, अरे तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे और अनंत काल तक आत्मा रहोगे, कभी शरीर नहीं हुए, संयोग रूप नहीं हुए, कोई संयोग सदा काल के लिए नहीं मिला। ये क्या चीज़ है? ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ वस्तु का स्वरूप। क्या बता रहा हूँ? बस अब श्री गुरु कहते हैं कि ये जो वस्तु का स्वरूप है ये स्वीकार करो। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि स्वीकार क्यों करें? आपका प्रश्न क्या होना चाहिए कि हम स्वीकार क्यों करें? इसलिए करो कि अगर सुखी होना है तो। अगर इसको स्वीकार नहीं करोगे तो तीन काल में सुखी नहीं हो सकते।